प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते कल 30 सितंबर को लोक दल पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार द्वारा करनाल से नामांकन पत्र भरा गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए हैं, जिसके चलते नीलोखेड़ी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भगवान दास कबीरपंथी पूर्व विधायक द्वारा दल बल के साथ पहुंचकर करनाल के लघु सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया और जीत का दावा किया गया। नामांकन पत्र भरने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक एवं नीलोखेड़ी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि पार्टी द्वारा हाईकमान द्वारा जो विश्वास उनमें व्यक्त किया गया है उसको पूरा करेंगे और जिस तरह पहले जनता की सेवा की है आगे भी और जन समर्थन प्राप्त कर लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहा है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर आगे चलते हुए हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रिज गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उन आशीर्वाद दिया नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए, उन प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय सांसद महोदय का, जिन्होंने मुझ पर आशीर्वाद दिया, उन प्रत्याशी बनाया और आज अपना नामांकन फार्म भराया। और जनता का आशीर्वाद पिछले 5 साल से भरपूर मिला माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। जो जिम्मेदारी 2014 में जनता ने दी थी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो निभाई और जो जो डिमांड थी, जो जो वहाँ के क्षेत्र की जरूरतें थी, काम थे, वो पूरा कराने का काम किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि 1,000 करोड़ से ऊपर भी हमने वहाँ काम कराए, विकास के काम कराए। कई बड़ी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली, चाहे बागवानी विश्वविद्यालय हो, कन्या महाविद्यालय हो उत्तराबी में, बस्तली में, और कई बड़े प्रोजेक्ट हमारे इस क्षेत्र में इन 5 सालों में आए। तो इस बार भी जो कुछ ऐसे काम है कुछ शेष रह गए हैं, तो अगर जनता ने विश्वास जताया और आशीर्वाद दिया तो बचे हुए काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा में हमारे सांसद महोदय 63,000 से विनिंग होकर हमारे विधानसभा से संसद में पहुंचे थे, तो लगभग 75,000 से हमारे इस बार ये लीड रहेगी, क्योंकि भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्यार जनता का मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्यवस्था परिवर्तन किया, जो एक इस प्रदेश को बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारा, जनता ने मन बनाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः इस क्षेत्र की, इस पूरे प्रदेश की बागडोर संभाले। और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपना सफाई चुनकर आगे मुद्दे क्या रहेंगे आपके, जो बाकी समस्याएं हैं क्षेत्र की, क्योंकि मैंने 5 साल गांव-गांव जाकर हर शहर में नजदीक से देखे हैं कुछ, क्योंकि समय 5 साल इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिगड़ी हुई काफी व्यवस्था थी, सभी काम एक साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन वो मैंने पता है कि क्या क्या काम है। तो आने वाले इन 5 सालों में मैं उन कामों को प्राथमिकता पर लेकर उन्हें पूरा कराऊंगा, ताकि किसी तरह की कोई हमारे क्षेत्र में समस्या ना रहे। आप सभी का बहुत बहुत क्षेत्र का सहयोग कैसा है? भरपूर आशीर्वाद मिला। आज भी जब मैं नामांकन भरने के लिए नीलोखेड़ी से चला था तो हजारों की संख्या में सभी साथी मेरे साथ आए, इससे लगता है कि पूरा क्षेत्र और वहाँ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिले थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।